वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
और तभी मैंने आज कैमरे का एंगल कुछ इस तरह से रखा है मिरर में, ताकि आप लोगों को अच्छे से मेरा जो कट है वो देख पाए। कैसा लग रहा है सबसे पहले कमेंट कर दो, बाद में वीडियो देखना वीडियो पॉज करके सबसे पहले कमेंट कर दो कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ एक्चुअली। मैंने बहुत पहले से सोचा था कि मैं गोवा जाने से पहले एक अच्छा सा हेयर कट लूंगी, बट वो कौन सा हेयर कट लूंगी वो मुझे नहीं पता था। तो मेरा एक्चुअली थोड़ा सा मन था शॉर्ट बॉब कट लेने का, सो इस हेयर कट का नाम है शॉर्ट बॉब कट, और इससे पहले जो लिया था वो था लॉन्ग बॉब कट। सो किसी ने ना, किसी एक मेरी सब्सक्राइबर ने, मेरी फ्रेंड ने, उन्होंने बोला मुझसे कि आप शॉर्ट बॉब कट इस बार जरूर कराना, आपने लॉन्ग कराया हुआ है। सो मैंने कहा ठीक है। मेरा तब से और ज्यादा मन कर गया कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी और मेरा ऑलरेडी से मन था, मैंने कहा चलो करा के फाइनली देख लेती हूँ, और एक दो महीने में तो बाल बढ़ ही जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी एक दो इंच, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए मैं बैक हो करके एक बार आपको दिखाती हूँ अच्छे से। सो ये है कुछ हेयर कट मेरा। पार्लर में इन्होंने जितना ब्लॉग बना पाया उतना मैंने इनसे बनवा लिया था, और अदरवाइज मैं आपको यहाँ घर पर अच्छे से दिखा दे रही हूँ। सो ये है मेरा फाइनल लुक गोवा जाने से पहले। कल मैं निकल रही हूँ गोवा के लिए, तो आज फाइनली मैंने हेयर कट ले लिया है। मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बट आई डोंट नो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, आप बताना कैसा लग रहा है। अपनी तारीफ अपने मुँह से नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, हेयर कट हो गया या कुछ भी हो गया, खुद को तो 99% लोग अच्छे लगते ही हैं। खुद की तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए ना, दूसरों को कैसे लग रहे हैं वो डिपेंड करता है, वो सबसे मायने रखता है कि आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ। सो हजारों लोगों को मैं बहुत पसंद हूँ, तो मुझे ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगता है। और आज कैसा लग रहा मेरा हेयर कट वो भी बता देना। मैंने लास्ट दो हेयर कट लिए हैं, वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे, और आज वाला कैसा लगा आई होप अच्छा लगे आपको ये भी। सो मैंने कुछ डिफरेंट सा ट्राई किया है लाइफ में, पहली बार ऐसा कुछ मैंने किया है, इतने शॉर्ट हेयर और वो भी शॉर्ट बॉब कट मैंने लिया है। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी सी फीलिंग आ रही है। तो चलिए ये तो हेयर कट की बात। मैं शाम को गई थी पार्लर, काफ़ी टाइम लग गया इसमें कटिंग में लगा था, आई थिंक मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा, आई एम सॉरी। मैंने सोचा था मैं टाइम देख लूँगी कितना टाइम लगा, फिर भी 1 आवर से ऊपर लग गया कटिंग में इसको, तो 1 घंटे से ऊपर, 1.5 घंटा आप मान के चलो, 1-1.5 घंटा लग गया कटिंग में। और मैंने ना कालका जी गीतांजलि से हेयर कट करवाया, अभी जाऊंगी मैं पैकिंग करूंगी जा करके। पैकिंग मतलब वैसे हो गया है कि क्या रखना है, बट बैग में अभी नहीं रखा है, सो बस बैग में रखना है एक सा करके, उसके बाद मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से पैकिंग कर लेते, टाइम वेस्ट नहीं करते। और ये नीचे अपना हेयर कट लेने गए हैं, ये शेविंग कराने गए हैं और अपना हेयर कट लेने गए हैं। सो अब ये थोड़ी देर में आ जाएंगे अगर भीड़ नहीं हुई तो, अगर इनके पार्लर में भी भीड़ हुई तो फिर इनको टाइम लग जाएगा। तो जब तक ये आ रहे हैं सोच रही हूँ मैं तब तक पैकिंग पूरी कर लूँ, अपनी और बेटू की कर लूँगी, इनकी बिल्कुल नहीं करूँगी। ये फिर कहते हैं ये वाला क्यों रख लिया, ये वाला रखो, ये वो। तो जब ये आएंगे तो इनसे पूछ पूछ के मैं इनकी पैकिंग कर दूंगी। मैं जाने से पहले सारा कुछ अरेंज करके रख गई थी, सारे कपड़े फोल्ड करके रख गई थी, और जो पैकिंग की तैयारी है वो पन्नी में करके, जैसे मैं इस तरीके से ही पन्नी में पैक कर करके रखती हूँ, तो सब कुछ कर दिया है, बस मुझे बैग में लगाना है केवल। ये अभी मेरे और बेटू के मैं पैकिंग करूँगी, जब ये आ जाएंगे उसके बाद मैं इनकी करूँगी। तो इस तरीके से जो नॉर्मल ये पन्नी होती है, पॉलिथीन होती है, इसी में मैं पैक कर देती हूँ। तो इस तरीके के मैं पैकेट बना लेती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। जो कपड़े होते हैं ना वो इधर से उधर फैलते नहीं है, तो इस वजह से मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के जा रही हूँ अपने ट्रैवल बैग में। स्किन केयर से रिलेटेड ये सारे सामान हैं। सो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये मैं कुछ शीट्स लेकर के जा रही हूँ। ये समर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं हमारी स्किन के लिए, हाइड्रेट करती हैं, मॉइस्चराइज करती हैं, हमारी स्किन को काफ़ी बेनिफिट पहुँचाती हैं। मैं ये टोटल 4 शीट्स मैं लेकर के जा रही हूँ। ये मैं लेकर के जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ये कुकुम्बर वाला लेकर के जा रही हूँ मैं। और इधर है ये सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैं टोटल 3 लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, गोवा में सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। सो मैंने ये तीनों रख ली हैं, एक गुड वाइब्स की है और एक बायोटिक की है और एक लोटस की है। तीनों ही सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये है मेरा वॉश जेल, शावर जेल है ये। सो एक ये छोटा सा शावर जेल है, 4 दिन के लिए इनफ है 2 लोगों के लिए। और ये है बायोटिक का टैन रिमूवल फेस पैक, मैंने ये लिया है। और ये है VLCC का मॉइस्चराइज़र। और ये है बायोटिक का नीम फेस वॉश। ये है एलोवेरा जेल। और ये है बेटू की लिप बाम, बेटू का मॉइस्चराइज़र क्रीम और बेटू का पाउडर। और एक ये कॉम है। सो ये सारी चीज़ें मैं अभी एक ये वाली जो पॉलीथिन है इसमें मैं पैक करके, इसमें ये सारा जो बड़ा बड़ा सामान है वो मैं इसमें रख लूँगी। और बाद बाकी मेरा जो मेकअप का सामान है वो मैंने इन 3 बॉक्सेस में रखा हुआ है सारा कुछ। इस तरीके से मेरी सारी पैकिंग हो गई है। इधर मेरा बैग पैक हो गया, उधर बेटू का हो गया, इनके कपड़े रह गए हैं। वो क्यों रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो इनके कपड़े रखने को रह गए हैं, सो वो मैं कल रखूंगी। सो इधर इनकी वॉच है। और ये एक ये वाला सनग्लासेस मेरे हस्बैंड का है और ये दोनों मेरे हैं। सो बस इतना ही सामान है जो मैं लेकर के जा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ले जा सकती हूँ। तो ये इनफ है आई थिंक 4 दिन के लिए। बट स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो मैंने उससे ही रिलेटेड सारे सामान रखे हैं, कुछ ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा नहीं रखा है। सो ये ट्रैवल के लिए ना बहुत अच्छा रहता है इस तरीके का। ये गुड वाइब्स का है और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सो मैं ये शावर जेल यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो मैंने इसका ये छोटा वाला पैक रख लिया है इसमें। सो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अदरवाइज मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो मैंने purple.com से मंगवाए थे। सो आप purple.com पे चेकआउट कर लेना, वहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफर्स में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। वरना मैं 99.9% ट्राई करूंगी लिंक देने का, 1% अगर रह जाता है सो आप लोग देख लेना। सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, नेचुरल होते हैं, सो मैं यही सारे प्रोडक्ट प्रेफर करती हूँ मोस्टली। सो मैंने सोचा मैं आपको आपके भी साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ। अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। देखो ये देखो, सब देख रहे हैं कितने गुस्से में, सब देख रहे हैं। नन्नू आपका गुच्छा छप देख रहे हैं, छप देख रहे हैं, छप। अरे पापा भाग गया, छप देख रहे हैं, छप। वो देखो नन्नू, वो देखो नन्नू गुस्से में। अरे नन्नू भाग गया ऊपर, वो देखो नन्नू गुस्सा आ रही है, नन्नू को गुस्सा आ गया। पापा पास आ जाओ, एक चीज दिखा जल्दी, आ जा जल्दी ऊपर दिखाते हैं कुछ। नन्नू को गुच्छा आ गया, बहुत तेज गुस्सा कर रही है नन्नू। सो मेरा सारा काम फुर्सत हो गया, मैं फुर्सत होकर के बैठ गई हूँ। और मुझे ना आप लोगों के साथ एक चीज़ क्लियर करनी थी। कुछ लोग पूछ रहे थे आपको ठंड नहीं लगती है, आप एक टी शर्ट पहने रहते हो घर में। सो मेरा ये जो घर है ना, चारों तरफ से बंद कर लो तो बिल्कुल ठंडक नहीं लगती है, और पूरा दिन धूप रहती है तो ये जो दीवारें हैं ना ये गर्म हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से घर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि दीवारें ठंडी रहती हैं आपकी या गर्म रहती हैं। सो गर्मियों में ये बहुत गर्माती हैं, क्योंकि इधर इस साइड बैक साइड कोई बिल्डिंग नहीं बनी है पीछे, तो पूरी गर्माहट रहती है। सो मेरा घर ना थोड़ा सा गरम गरम जैसा रहता है, और मैं एक स्टोल डाल के रखती हूँ और वूलन वाली टी शर्ट पहनती हूँ, तो बस इतना ही इनफ है यहाँ के लिए। बाहर जाती हूँ तो मैं जैकेट पहन लेती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, पर्सनली मुझे बहुत हैवी कपड़े पहनना, 2-3 स्वेटर जैकेट टोपा मोजे मतलब हमेशा पहन के रखना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा उलझन रहती है, तो मैं एक गर्म टी शर्ट और हल्की सी ठंडक के लिए मैं स्टोल ले लेती हूँ। सो इतना इनफ है घर के लिए, इसलिए मैं ऐसे पहन करके रखती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं ये चीज़ बता दूँ आप लोगों को। इस बार ऐसी कोई बहुत भयंकर वाली ठंडक नहीं थी कि मतलब इतना ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़े। अगर पड़ती है तो 2-4 दिन पहन भी लेती हूँ, बट इस बार धूप निकली है ऑलमोस्ट डेली, सो इस वजह से ऐसे ही काम चल जाता है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, मैं ज़्यादा कपड़े हैवी नहीं पहन के रख सकती हूँ, हमेशा नहीं रह पाती हूँ, आप ये बोल लो। सो इस वजह से। और पतिदेव, मेरे हेयर कट कैसे लग रहा है? और पतिदेव ने मेरे हेयर कट को देख करके कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। नहीं, अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा। सो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ बेटू का दूध तैयार करने के लिए। सारा कुछ हो गया है, सारी पैकिंग हो गई है, बस कल निकलने की तैयारी। और बस कल इतने टाइम तक, अंधेरा लग रहा था, कल इतने टाइम तक हम सब लोग गोवा में होंगे। टाइम हो रहा है 11, रात का 11 बज गया है। तो कल इतने टाइम तक हम लोग गोवा में होंगे और मैं किचन में आई थी बेटू के लिए दूध बॉयल करने, उसको दूध पिला करके बस सुला देना है। सारी पैकिंग सब हो गई है, बस इनके कपड़े रह गए हैं, सो वो मैं कल कर दूंगी। बाकी जो मेन पैकिंग होती है ना, वो लड़कियों औरतों की होती है ना। सो हम लोगों को बहुत सारा कुछ रखना रहता है। लड़के लोगों का क्या, दो पैंट डाली, दो टी शर्ट डाली, उनकी पैकिंग फटाक से हो जाती है। हाँ, आज 30 है, तो ये व्लॉग तो आप लोगों को 31 की मॉर्निंग में मिल जाएगा। पर जो मैं कल से व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, पता नहीं मैं गोवा में एडिट करके पब्लिश कर पाऊंगी कि नहीं। सो वो अगर गैप हो जाए तो आप लोग समझ जाना कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कल दोपहर में निकलना है, 3 बजे हम लोग निकल जाएंगे। सो जो व्लॉग है अगर लेट हो जाए तो आप लोग समझ जाना, हाँ कुछ प्रॉब्लम है नेट की या नहीं एडिट अपलोड हो पाया। सो मैंने कहा मैं इस व्लॉग में बता देती हूँ, अगर 2-3 दिन व्लॉग गैप हो जाए तो आप लोग माइंड मत करना। बहुत जल्दी मैं गोवा के व्लॉग, मुझे खुद जल्दी है आप लोगों के साथ शेयर करने की गोवा के व्लॉग। सो इस व्लॉग को, ये तो मिल जाएगा आपको 31 की मॉर्निंग को, तो इसके बाद वाले व्लॉग थोड़े से डिले हो सकते हैं, वो भी 50% चांसेस है, 50% चांसेस है कि मैं व्लॉग टाइम से अपलोड भी कर दूं। नेट के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। सो चलिए, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कोशिश करूंगी बहुत जल्द मिलूं नेक्स्ट व्लॉग में। और आगे के अच्छे अच्छे गोवा वाले व्लॉग्स का आप लोग वेट करना, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हो कि नहीं मुझसे जरूर शेयर करना। तो चलिए, कल का इंतजार है, कल निकलते हैं गोवा के लिए, मिलते हैं आप लोगों से गोवा में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।